व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर के उस झलिया माँ के मंदिर में जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं। 7 बजे से 10 बजे तक श्रीमती मध्य भागवत कथा का आयोजन। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त हम हैं खाजीकाला घाट पे। खाजीकाला घाट पर जहाँ जब देखिएगा तो रंग बिरंगे की एक तरह की पोशाकें हैं। ये पोशाकें हैं, बता देता हूँ, झलिया माता की मंदिर रानीपुर बाड़ी बाईपास के पास है। आज से शतचंडी माँ यज्ञ का शुभारंभ है और यहाँ पर लगभग 1100 महिलाएं कलश यात्रा के रूप में, नगर शोभा यात्रा जो आप कह सकते हैं, पूरे ऊंट घोड़े के साथ में, पूरे बैंड बाजे के साथ में, भक्तिमय वातावरण के साथ में, जय माता दी जय माता के साथ में आज आगाज हुई है। झलिया माता के मंदिर का एक मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं सच्चे मन से मनते मांगते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर के खासियत है कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, रानीपुर का बाहरी परिसर आप कह सकते हैं, बाईपास के पास है। तमाम लोग यहाँ का दृश्य देखिएगा तो एक भक्तिमय वातावरण और बिल्कुल उल्लास के साथ लोग गंगा स्नान साथ में कलश में गंगा जल लेकर उसी तरह का नगर कीर्तन के रूप में चलेंगे और ये कार्यक्रम 31 मई तक चलेगी। हम इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी देंगे, बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हम 22 अप्रैल को ध्वजारोहण हुआ था और लोगों ने संकल्प लिया था कि हाँ रुद्र चंडी जग और भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में आज 25 तारीख से लेकर के 31 मई तक रुद्र चंडी जग है रानीपुर बाहरी झलिया दादी अति प्राचीन देवी मंदिर के प्रांगण में। तो आज सवेरे वही कलश भरी का कार्यक्रम है और महिलाएं 1100 महिलाएं आज इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं जल भरी वाली कार्यक्रम में। और शाम से रोज 7 बजे से 10 बजे तक श्रीमती मध्य भागवत कथा का आयोजन चली होगा। पंडित सुरेश दास जी महाराज बनारस के हैं, सारे पुरोहित बनारस से आए हुए हैं और उन्हीं लोग के देख रेख में यहाँ कार्यक्रम हुआ है। जी नाम बताइए, नाम बताइए आप। अवधेश कुमार सिन्हा, आयोजन समिति अध्यक्ष। दादा देवी, आज किस लिए आई यहाँ? यहाँ मेरे रानीपुर मोहल्ले से एक कलश यात्रा निकला है, वहाँ एक झलिया माँ का मंदिर है, वहीं से हम लोग कलश यात्रा शुरू कर रहे हैं और उस कलश यात्रा को लेकर के खचकला घाट पे आए हैं और यहाँ से जल भर के अपने सर पे लिए हुए हम लोग रानीपुर काली मंदिर होते हुए झलिया माँ का मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। क्या मान्यता है उस मंदिर का? उस मंदिर का यही मान्यता है, जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर के उस झलिया माँ के मंदिर में जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हम लोगों की पूर्ण हुई है, इसलिए हम लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं। मनीषा कुमारी, इसलिए आई है आप? कलश उठाने के लिए, कलश यात्रा के लिए। तो कहाँ से उठाइए कलश? रानीपुर काली स्थान। किस मंदिर से? दुर्गा मंदिर से।